हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आज थोड़ा सेशन जो है लेट दे रहा हूँ, बिकॉज़ आप सभी लोगों को पता है कि फेस्टिवल है, तो इस वजह से जो है लेट आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग डायरेक्टली चलते हैं समरी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, जो क्लाइंट है उन्होंने आज इंडेक्स फ्यूचर में जो है खरीदारी की है, कॉल पे लॉन्ग किया है, पुटे सेल की है और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। एफ ए की बात करेंगे तो आज फिर से इन्होंने फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल किया, पुट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर यहाँ पे जो है सेल किया है। बात करेंगे प्रो का दोस्तों, तो फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग किया, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेल है। अब दोस्तों बात करेंगे डीआई का, तो डीआई के पास देखिए फ्यूचर लॉन्ग है, पुटे जो है सेल है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। सो आप देख सकते हैं कि आज अगेन जो है कॉन्ट्रैक्ट काम हुआ, यानी कि क्लाइंट ने लॉन्ग किया, एफ ए ने शॉर्ट किया और यहाँ पे प्रो ने भी शॉर्ट करके काम किया। नतीजा बाजार में प्रेशर, यानी कि क्लाइंट जिस साइड है उस साइड बड़े ट्रेडर नहीं है, और हमेशा होता है कि क्लाइंट जिस साइड में होता है बड़े ट्रेडर उसका अगेंस्ट वाला जो पोजीशन है वो बनाते हैं या प्लांट कर लेते हैं। बाद में हमें यही पता चलता है कि इनका जो डायरेक्शन था वो अपोजिट साइड था। सो आप इसको मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं। अब देखिए इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो क्लाइंट के पास अब 2 लेके करीब लॉन्ग हो गए, एफ ए के पास 122 के शॉर्ट सेल हो गए, प्रो के पास 37,000 के सेल है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 239 का जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है, एफ ए के पास 520 का लॉन्ग है, प्रो के पास 283 का शॉर्ट सेल। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 900,000 के लॉन्ग है, एफ ए के पुट 861 के लॉन्ग है, प्रो के पास 37,000 के शॉर्ट सेल। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो क्लाइंट के पास 19,00,000 लॉन्ग, डीआई के पास 33,00,000 की सेलिंग, एफआई के पास 9,00,000 के लॉन्ग और प्रो के पास 4,00,000 के जो है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखिए बड़ा ही जो है इंटरेस्टिंग डेटा आया है निकल के, काफ़ी सारा जो है डेटा में बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस डेटा को बहुत अच्छे से जानने के लिए हमें ज़रूरत है कि इस डेटा को हम डिकोड कर लें, तभी जाके हमें एग्जैक्ट एक क्लू मिलेगा कि बेसिकली बाजार में कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट पड़ा हुआ है। हालांकि अभी का तो बाजार ऐसे लग रहा है कि एक दिन लॉन्ग और एक दिन शॉर्ट का चलने वाला है, जिस हिसाब से एक दिन में और लास्ट के एक दिन में परिवर्तन जो हुए हैं, क्योंकि जैसे क्लाइंट लॉन्ग करेगा तो ये लोग शॉर्ट करेंगे, क्लाइंट शॉर्ट करेगा तो ये लोग लॉन्ग करेंगे, ऐसा डेटा जो है देखने को मिल रहा है। तो ये डेटा को डिकोड करते हैं, देन आफ्टर पता चलेगा कि बेसिकली इनके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट का, तो क्लाइंट के पास देखिए 2,00,000 के करीब जो है यहाँ पे लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर, देन आफ्टर 239 के जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है इंडेक्स कॉल, और 9,99,000 समथिंग के जो है पुट जो है सेल है। तो टोटल जो इनका एमटीएम हो जाएगा, तो अगेन दोस्तों इनके पास तकरीबन 9,62,000 के लॉन्ग पोजीशन ऑन हो गए। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआई का, तो एफआई के पास देखिए 122 का फ्यूचर जो है सेल है, देन आफ्टर 520 का जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, और 861 जो है यहाँ पे इनके पुट जो है लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो एमटीएम हो जा रहा है, तो एफआई के पास अब जो है 463 की जो है यहाँ पे सेल पोजीशन दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का, तो प्रो के पास देखिए 37,000 का जो है यहाँ पे सेल है फ्यूचर्स, देन आफ्टर 283 का जो है कॉल भी सेल कर दिया, और 37,000 का जो है यहाँ पे पुट सेल है। तो टोटल जो इनका एमटीएम हो जाएगा वो ऑलमोस्ट, इसको इससे माइनस कर देंगे तो जस्ट 283 के करीब इनके पास भी सेल पोजीशन है। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, इनके पास कॉल सेल की पोजीशन ज़्यादा है, यानी कि बाजार के ट्रेंडिंग होने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, क्योंकि प्रो जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेल करके प्रीमियम को अर्न करना चाह रहा है, और इसके लिए हमें दोनों साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ही शिद्दत के साथ लेवल को दोस्तों फॉलो करना होगा, क्योंकि ये समझ लीजिए कि लेवल ही आपको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगा, अदरवाइज आप यहाँ पे इस भंवर में उल्टे साइड की पोजीशन लेके ट्रैप हो सकते हैं। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं लेवल के एनालिसिस। तो दोस्तों जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है वह है 24,520 का, सपोर्ट दोस्तों 24,220 का है। तो अब हम इसको ले चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे। देखिए यहाँ पे ना लोअर लेवल के ऊपर एक काफ़ी अच्छा जो है हमें W पैटर्न देखने को मिल रहा है,
और ऊपर से जिस हिसाब से इनकी पोजीशन बनी है सेल की, उस हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर भी दिया है। तो अब हमें यही देखना है कि 24,375 से लेके 420 के ऊपर बाजार क्या रिएक्शन दे रहा है। अगर 24,420 यहाँ पे बाजार होल्ड करना शुरू करता है तो हम बाई के लिए जाएंगे, और अगर बाजार इस जोन से रिजेक्शन दिखाता है और ये लेवल तोड़ता है तब जाके हम सेल करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ से रिजेक्शन दिया तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर चल देगा, तो यहाँ पर रिजेक्शन आने के बाद सेल इन दोनों लो के कटने के बाद करेंगे ज़्यादा जो है बेस्ट होगा, क्योंकि फिर वहाँ पे ट्रैपिंग के चांस कम रहेंगे। अदरवाइज कोई गैप अप वगैरह मिले तो 24,500 से लेके 520 का जोन रेजिस्टेंस एरिया है। ये जो नहीं क्रॉस करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे वन टाइम फिर से एक सेल मिलेगा, जो कि पुल बैक वाली सेलिंग कहिए जो भी कहिए, यहाँ पे एक अच्छा सेटअप जो है काम करेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 52,620 का, सपोर्ट दोस्तों 51,465 का है। तो देखिए बैंक निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डेड कट जो है यहाँ पे कैंडल्स जो है बनी हुई है लास्ट में, यानी कि जो बाज़ार गिरा है वो नॉन इंटरेस्टेड टाइप गिरा है, यानी कि कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग है या बिना मन के जो है गिरावट है। तो ये जो मैंने ग्रीन लाइन प्लॉट किया ना, आप भी प्लॉट करके रखिए, और अगर 51,700 से लेके 600 का एरिया होल्ड करता है तो इधर हम बाई के मौके खोजेंगे। कोई भी एक सॉलिड कैंडल मिलनी चाहिए 5 मिनट पे, तो हम इधर प्लान कर सकते हैं बाई का, अदरवाइज फिर से वेट एंड वॉच करेंगे। या अगर यहीं पे खुलता है और 52,000 का लेवल सस्टेन होने लगा तब जाके हमें यहाँ पे बाई देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फिर बाजार कंसोलिडेशन को क्रॉस कर देगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भली भांति हमें देखनी है कि बैंक निफ्टी का जो सेटअप है वो किस हिसाब से वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। अब चूंकि फेस्टिवल भी है कमिंग डे में, तो वॉल्यूम जो थोड़े से यहाँ पे ड्राई रहेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऑन मत कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत महसूस होगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का। तो इसका रेजिस्टेंस है 24,335 का, सपोर्ट दोस्तों 23,875 का है। थोड़े से लेवल टाइपिंग में मिस्टेक है तो वर्ड से जो है करेक्ट कीजिएगा। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में कोई खास अभी इंटरेस्ट नहीं बना हुआ है, बिल्कुल बाजार बीच में है, तो लेवल को वॉच कीजिए कि 24,000 होल्ड होता है कि नहीं, क्योंकि 24,000 होल्ड होगा तो अच्छी बात, रिकवरी मिल जाएगी, अदरवाइज थोड़ा सा नीचे और ड्रैग हो सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेंसेक्स की, जिसकी कल जो है यहाँ पे एक्सपायरी देखने को आपको मिलेंगे। तो देखिए सेंसेक्स भी एक जोन में ट्रैप है, ठीक है, ये वाला एक जोन है, इसके लिए रेजिस्टेंस वर्क करेगा 80,100 या 80,000 जो भी कहिए, जस्ट उसके पास ही है। और अगर ये 79,800 के लेवल को ब्रेक करना शुरू करेगा तो यहाँ पे थोड़े से बियरिश व्यू जो है बन जाएंगे, और ये यहाँ पे आ सकता है 500 पॉइंट का डाउन दिखा सकता है, देन आफ्टर यहाँ से कहीं रिकवरी बनती भी नजर आएगी। क्योंकि अभी आपको दोनों साइड के लिए रेडी रहना पड़ेगा, प्रेशर ऊपर से थोड़े रहेंगे लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक में आपको सपोर्ट भी मिलेगा लोअर लेवल पे। स्टॉक वाइज देखेंगे तो TVS मोटर यहाँ पे थोड़ा लेवल को होल्ड कर रहा है, बट थोड़ा सा मतलब देखेंगे तो वॉल्यूम वगैरह कोई खास सपोर्टिव नहीं है, तो कोई खास मतलब नहीं बनेगा। महिंद्रा जो है स्लोली एंड स्टडी मोड में गिर रहा है, जैसा कि मैंने ऑटो में बताया हुआ है कि इन्वेंट्री का इशू चल रहा है, और DLF ने यहाँ पे पुल बैक जो रिएक्शन दिया है, तो कल इसके ऊपर नजर रखिएगा, 820 के नीचे ये जो है एक सेल अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन पे। निफ्टी का डेटा मिड में है, ना कोई बुलिशनेस है ना कोई बेरिशनेस है, 70 लाख के कॉल सेलर हैं, 56 लाख के पुट सेलर, सो हार्डली 10,000 का डिफरेंस है। सो लाइव में देखना होगा कि किस हिसाब से एक्शन रिएक्शन हो रहा है। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर डेटा में वो 24,400 के करीब है, और वहीं पे आप क्लोज हुए हैं 24,500 पे, उमदा रेजिस्टेंस है। सो 500 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग बनती हुई दिखाई देगी। सपोर्ट के तौर पे देखेंगे तो 24,300 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, बड़ा जो सपोर्ट है वो 24,000 पे है। सो बड़ी जो रेंज है 24,000 से लेके 24,500 की है। जिस साइड बाजार जो है निकलेगा, यानी कि 24,500 के ऊपर निकले तो शॉर्ट कवरिंग, और 24,000 ब्रेक कर दिया तो एक बड़ा डाउन मूव देखने को मिल जाएगा, जिसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। सो दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी के डेटा की। तो बैंक निफ्टी का डेटा इनसाइड पॉजिटिव है, बट बाकी सारा जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो थोड़ा नेगेटिव साइड देखने को मिल रहा है। 824 के कॉल सेलर और 892 के पुट सेलर। सो इनिशियली के आधे घंटे बुल्स एंड बियर के बीच में फाइट होने वाली है, किधर लेके जाना है।
तो आप इस टाइम में जो है इंटर करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 51,800 पे 28,000 के कॉल सेलर और यहीं पे 22,000 के पुट सेलर है। सो 51,800 पहले डिसाइड करेगा कि इधर चलना है, जिधर प्रॉपर सस्टेन करेगा उससे 100-150 पॉइंट की उसी डायरेक्शन में मूव मिलेगी। यहाँ पे 51,500 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और 52,000 पे उमदा रेजिस्टेंस है। 52,000 अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करेगी तो एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग और अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस कल के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। माफी चाहेंगे वीडियो लेट देने के लिए, उम्मीद करूंगा कि आपकी हेल्प होनी चाहिए। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Thank you.